हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूली और मूली के पत्तों से बनी भुजिया, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है और बनने में इसको 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से। तो चलिए देख लेते हैं मैंने कैसे बनाई है ये। तो आइए, मार्केट में मूली आनी शुरू हो गई है और बहुत ही कच्ची कच्ची मूली आ रही है और उसके अंदर पत्ते भी खूब हद के पत्ते लगे हुए हैं मूली के अंदर। तो मैंने भी सोचा मैं मूली ले लेती हूँ, तो आपको बताती हूँ मैं मूली की सब्जी कैसे बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने आधा किलो मूली लिए पत्तों के साथ, पत्ते भी अच्छे पत्ते हरे हरे पत्ते थे तो मैंने ये पत्तों के साथ ले लिए। अब मूली और पत्तों को मैंने अच्छे से धो लिया है और मूली को अच्छे से छील भी लिया है, इसको मैं रख देती हूँ साइड में। और अब मैं पत्तों को साफ कर लूंगी। पत्तों को साफ करने के लिए हमें जो मोटे मोटे डंठल है इनको निकाल देने हैं, जो ज्यादा मोटे हैं वो निकाल देंगे। इस तरीके से सारे डंठल निकाल के हम रेडी कर लेंगे। और इसमें पत्ते आप चेक भी कर लेना, अगर खराब पत्ता हो तो उसको भी निकाल के आप साइड में कर लीजिए। और हरे पत्तों वाली सब्जी तो बहुत हेल्दी होती है और पेट के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है, इससे रफेज भी अच्छे से बनता है और इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो आप जरूर खाएं हरे पत्ते वाली सब्जी और बच्चों को भी खिलाएं। इसके तो पकौड़े बनाएं या बच्चों को सब्जी में खिलाएं या आटे में गूंद के, कैसे भी करके हरी सब्जी तो बच्चों को जरूर देनी चाहिए। तो आप किसी ना किसी तरीके से बच्चों को जैसे भी हो आप खिला सकते हैं इसको। तो मैं इसीलिए इसमें मूली के पत्ते डाल रही हूँ। आप इसमें पालक भी डाल सकते हैं और मूली के पत्ते भी डाल सकते हैं, दोनों चीज डाल सकते हैं। तो मैं ये तोड़ के अलग कर लेती हूँ। अब मैं मूली को और मूली के पत्तों को बारीक बारीक कट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने मूली और मूली के पत्तों को बारीक बारीक कट कर लिया है। इस तरीके से हमें बारीक बारीक कट करना है। और साथ ही मैंने 2 चम्मच अदरक बारीक कट करी है, 2 चम्मच लहसुन और 2 हरी मिर्च, इन सबको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब मैंने गैस पे रख लिया कढ़ाई, इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप तेल कोई भी ले सकते हैं लेकिन सरसों के तेल में टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए सरसों का तेल डाली। अब तेल को मैं बहुत अच्छे से गर्म कर लूंगी, जो सरसों के तेल में जो कच्ची महक होती है वो निकल जाए और तेल एकदम धुआंधार गर्म हो जाए। तो फ्रेंड, तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे हम लहसुन और अदरक और साथ ही डाल देंगे जीरा 1/2 चम्मच। अब इनको हम हल्का पिंक होने तक भूनेंगे 1/2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड, अच्छे से भून चुके हैं हमारे अदरक लहसुन। अब इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी मैं। और आप लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं तो आप इसमें प्याज डाल सकते हैं, तो अदरक लहसुन ऑप्शनल है। अगर आप खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो टेस्ट है मूली की सब्जी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नहीं तो आप प्याज डाल देना, अगर नहीं खाते तो आप अदरक लहसुन। तो 1/2 मिनट में हरी मिर्च भी भून लेती। अब मैं डाल दूंगी मसाले, तो 1/2 चम्मच डालूंगी हल्दी, मिर्च डालूंगी थोड़ी सी कम क्योंकि 2 हरी मिर्च डाली है मैंने तीखी वाली, और 1/2 चम्मच डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर। और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि नमक कम ही रखना चाहिए हमें, जब ये सूखी होती है तो नमक तेज हो जाता है, इसलिए हमें नमक कम ही डालना है। और अब डाल दूंगी 2 चम्मच के करीब पानी इसमें, क्योंकि मसाला भून जाए बस हमारा। 2 मिनट में मसाला भून लेती, पानी सिर्फ हमें मसाला भूनने के लिए ही चाहिए, बाकी हम पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी के बनाएंगे क्योंकि ये पहले ही पानी छोड़ देती है। तो इस वजह से हम सिर्फ मसाला भूनने के लिए 2 टीस्पून पानी लेंगे। तो फिर मसाला हमारा भून चुका है, अब मैं इसमें ये डाल दूंगी मूली और मूली के पत्ते। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। मसाला मैंने मिक्स कर लिया है मूली के अंदर। अब मैं इसको ढक दूंगी और गैस को कर दूंगी बिल्कुल स्लो, और ढक के 2 से 3 मिनट पकाएंगे और बीच बीच में से हम चलाते रहेंगे। तो मैं ढक के इसको पका लेती हूँ। तो फ्रेंड, 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमें सब्जी को पकाते हुए, लेकिन सब्जी हमारी अभी पकी नहीं है और पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला है। अभी मैं इसको और पकाऊंगी जब तक हमारी मूली अच्छे से पक नहीं जाती, सॉफ्ट नहीं हो जाती, और मैं बीच बीच में से इसको चलाती भी जा रही हूँ। तो मैं इसको ढक के ही पकाऊंगी इसी तरीके से। तो मैं पका लेती हूँ जब तक हमारी सब्जी अच्छे से पक नहीं जाती। तो फ्रेंड, आज से 10 मिनट हो गए हैं हमें सब्जी को हमारी पकाते हुए और सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है, मूली एकदम गल चुकी है। तो अब मैं गैस कर दूंगी बंद और इसको शिफ्ट कर लेंगे हम एक डिश में। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी मूली के पत्तों और मूली की भुजिया या सब्जी, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। इसको आप रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हो। तो होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।